आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं ना, वो आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। ये एक ऐसी शानदार राजा की कहानी है, और राजा इतना दयालु और इतना बहादुर और इतना परोपकारी होता है कि पूरा राज्य उससे प्यार करता है। पर एक बार उसकी ख्याति देख के दूसरा राजा उसके ऊपर अटैक करने आता है। राजा उसको हरा देता है, पर उस युद्ध में उसकी टांग चली जाती है। दूसरा राजा और आता है, वो लड़ाई लड़ता है, इसकी आंख चली जाती है, यानी टांग भी गई और आंख भी गई। पर होता क्या है कि उस राजा की इतनी ख्याति थी कि दूर दूर से लोग उसको मिलने आते थे। एक बार राजा के मन में आया कि मेरे पूर्वजों की सब जगह, मेरे पूरे महल में मूर्तियां लगी हुई है, चित्र लगे हुए हैं, मैं भी वृद्ध हो रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े चित्रकार थे सबको इकट्ठा किया उसने। इकट्ठा करके पूछा कि भाई मेरा एक चित्र बढ़िया से बना के दो। अब वो चित्र बनाना है, चित्रकार आता है ना, उसको डाउट रहता है कि राजा तो बदसूरत है, अगर मैंने दिया तो मेरा गला काट देगा। तो कोई राजा तो कोई चित्रकार, एक चित्रकार बोलता है सर के मैं बढ़िया। वो राज उसके दिमाग में, उसके जीवन में तीन फिलॉसफी होती है, तीन पी की फिलॉसफी। अच्छा, तीन पी। पहला पी क्या था? पॉजिटिव थिंकिंग। उसके मन में यह आता कि राजा क्या, राजा कितना बढ़िया है, राजा के दो अंग छोड़ दो बाकी तो सब खूबसूरत है, तो मुझे तो वो दिखाना है, यानी उसको नेगेटिव में से पॉजिटिव दिखने लग गया। पहला जिंदगी में आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव थिंकिंग रहना है। दूसरा उसने देखा पॉसिबल थिंकिंग, के इसमें क्या मैं बना सकता हूँ। राइट, तो बोलेगा समस्या मत देखो, समाधान देखो, समाधान पॉसिबल थिंकिंग। तीसरा उसने पी देखा पावर थिंकिंग, यानी मुझे एक्शन में क्रिएट करना है। तो एक्शन में क्रिएट क्या करना है, उसने एक ऐसा चित्र बनाया कि राजा जैसे तीर मार रहा है, तो तीर मारेगा तो आंख बंद करेगा, ठीक है, और पेड़ की ओर से शिकार कर रहा है तो टांग चिपके रहेगी। वो चित्र जब बन के गया ना, तो राजा का दिल खुश हो गया और खुश हो गया। तो जिंदगी आपको सिखाती है बॉस, जहां भी जाओ ना, ये तीन पी के साथ आप साथ चलिए, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव है और पॉजिटिव ये आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगी।